जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है कन्या राशि के लिए जुलाई 2017 का साल कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो 2 जुलाई से कर्क राशि में है, यानी कि राशि के 10वें स्थान से लेकर 11वें स्थान में चलने वाले बुध 2 तारीख को 11वें स्थान में चलेंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ है। बिजनेस में कारोबार में वृद्धि करने वाले हैं, मित्रों से लाभ करने वाले हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं। तो बुध का जो ये भ्रमण है वो 21 जुलाई तक यहाँ पर कर्क राशि में रहेगा और 21 जुलाई से बुध चलेंगे आपके राशि से 12वें स्थान में, यानी कि सिंह राशि में, जो भ्रमण आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो 21 जुलाई के बाद का जो समय है वो आपको एकदम शांति से पास करना होगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें और ओवरऑल आपका हेल्थ का केयर करें। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे अन्य और ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है, यानी कि आपके जन्म के चंद्र कन्या राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। यदि आपके जन्म के सूर्य भी कन्या राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य आपके कन्या राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा, और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कन्या राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले तो वीडियो को उनको जरूर शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से आपके 10वें स्थान के अंदर है। 16 जुलाई 2017 तक कर्म स्थान के अंदर चलने वाले सूर्य आपके लिए बहुत शुभ हैं, राजयोग कारक हैं। सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बिजनेस एवं कारोबार में भी वृद्धि होती है। 16 जुलाई से सूर्य चलेंगे 11वें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, सरकार से लाभ करने वाले हैं, पिता से लाभ करने वाले हैं, मित्रों से लाभ करने वाले हैं। हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट इस प्रकार रहेगी, जब 11वें स्थान में सूर्य चलते हैं तो आपको संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन हो सकती है, और 16 जुलाई से पहले जब 10वें स्थान में सूर्य चलते हैं तो खास करके आपको माता के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, तो उसमें खास केयर करना होगा। हालांकि जो ये सूर्य ट्रांजिट है आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में कारोबार में वृद्धि करने वाली होगी। मंगल ग्रह भी आपके 10वें स्थान में चल रहे हैं, जो भी आपके लिए शुभ है। 11 जुलाई तक मंगल भी आपके 10वें स्थान में है और 11 जुलाई से मंगल भी आपके लाभ स्थान में चलने वाले हैं कर्क राशि में, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है, मित्रों से लाभ करने वाले हैं। और शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो 26 जुलाई तक भाग्य स्थान में है, जो भी आपके लिए शुभ है भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो भाग्य स्थान में है और 26 जुलाई से शुक्र चलेंगे मिथुन राशि में, यानी कि 10वें स्थान के अंदर, जो आपके करियर में कारोबार में वृद्धि करने वाले होंगे। शनि आपके पराक्रम स्थान में चल रहे हैं, जो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। राहु आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो आपके खर्च बढ़ाने वाले हैं। और खास करके आपको डेट्स कौन कौन से केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार है, 17 और 18 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में, तो मेष के जो चंद्र हैं वो राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना होगा, व्हीकल ड्रम में केयर करना होगा और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करना होगा। डेट सबको ऑल्सो केयर करना है 25, 26 और 27, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में,
तो सिंह के चंद्र हैं वो भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।